आपको बता दें वैसे तो शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी के लिए बताया गया है, लेकिन इस दिन माँ संतोषी का व्रत रखा जाता है। इस दिन यदि विधि विधान के साथ शुक्रवार का व्रत रख लिया जाए तो जीवन में काफी खुशियां आने लगती हैं। जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे कार्य हैं जिनके करने से घर में सुख समृद्धि आती है, लेकिन जरा सी कोई गलती हो जाए तो उसका उल्टा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। माँ संतोषी परेशान भी कर देती हैं। चलिए आपको बताते हैं इस दिन क्या गलती नहीं करनी चाहिए। हम आपको बता देते हैं, शुक्रवार के दिन व्रत और उस घर में किसी को खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप भूल से भी ऐसा करते हैं तो माँ बहुत नाराज हो जाती हैं। खुद व्रत करने वाले को स्वयं ही गुड़ और चने का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। यदि आप व्रत में गुड़ चना खाते हैं तो माँ काफी प्रसन्न हो जाती हैं। भोजन करते समय उसमें अचार और खट्टी चीजें ना खाएं। यदि आप दिन में अचार बिल्कुल खाते हैं तो ये नुकसानदायक होगा, माँ इससे आपसे गुस्सा हो सकती हैं। आपको बता दें इस दिन माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने जल से भरा पात्र लें और उसके ऊपर गुड़ चना रख दें, साथ ही फिर व्रत कथा अनुसार पूजा करें। ऐसा करने के बाद आप आरती जरूर करें, उसके बाद सभी को प्रसाद जरूर बांटें, माँ आपको मनचाहा फल देंगी। इस व्रत की सबसे खास बात यह है कि आप 16 शुक्रवार तक ऐसा जरूर करें, उसके बाद अंतिम शुक्रवार के दिन इसका उद्यापन कर दें। कुछ कन्याओं को भोजन कराकर दान दें जिसके माता संतोषी आपसे प्रसन्न रहें और निश्चित ही आपको फल दें। आप हमेशा हमेशा के लिए मालामाल बन जाएं और आपके घर में कोई भी कमी ना रहे। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।